Now we can continue our chapter from the topic issues of equality in other democracies. दूसरे जगहों पे दूसरे तरह के लोकतंत्र में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं समानता को लेके. सिंस टाइम इमेमोरियल पीपल ऑफ लोअर क्लासेस हैव बीन ट्रीटेड विद इनइक्वालिटी एंड ह्यूमिलेटेड बाय दोज हु बिलोंग टू हायर क्लासेस. हमेशा से ऐसा हुआ है कि उच्च जात के लोगों द्वारा हमेशा निचली जात के लोगों का जो है वो सम्मान नहीं किया जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है. दिस स्टिग्मा इज़ नॉट एन इशू इन इंडिया अलोन. ये सिर्फ एक इंडिया की प्रॉब्लम नहीं थी. सच सोशल डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन प्रिविलेंट इन मैनी पावरफुल डेमोक्रेसीज एज वेल. ये और भी बहुत सारे अच्छे जो राज्य थे या अच्छे जो कंट्रीज हैं उनमें भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पीपल ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन वर ऑफन लुक डाउन अपॉन बाय द वाइट अमेरिकन्स. जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उनको आज भी जो वाइट अमेरिकन्स थे उनके निचली सोच के साथ देखा जाता था. द एंसेस्टर्स ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन्स वर स्लेव्स हु वर बॉट टू द अमेरिका फ्रॉम अफ्रीका. क्योंकि जो अफ्रीका अमेरिकन्स के जो मतलब पूर्वज थे वो क्या थे, वो गुलाम थे जो अमेरिका द्वारा लाए गए, अमेरिका में लाए गए थे अफ्रीका से गुलाम बना के, तो इसलिए उनके साथ ये भेदभाव किया जाता था. इन द 1950 अफ्रीकन अमेरिकन्स वर अलाउड ओनली टू सिट एट द बैक ऑफ द बसेज एंड वर फोर्स टू स्टैंड अप एंड ऑफर देयर सीट्स टू द वाइट अमेरिकन्स. 1950 की बात है जब ऐसा एक रूल था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्हें बस की पिछली सीटों पर वर बैठना होता था, और अगर कोई सफ़ेद अमेरिकन जो वाइट अमेरिकन था वो आ जाता था तो उन्हें अपनी सीट उसे ऑफर करनी होगी. रोजा पार्क्स अफ्रीकन अमेरिकन रिफ्यूजेस टू स्टैंड अपॉन 1 दिसंबर 1955. रोजा पार्क नाम की एक औरत थी जिसने पहली बार खड़े होने से मना कर दिया था 1955 में एक वाइट अमेरिकन को सीट देने से, क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी और वह ऐसे अपनी एक बेइज्जती समझती थी. उसका एक छोटा सा एक्शन एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया जिसकी वजह से सिविल राइट मूवमेंट जो एक्ट था वो बनाया गया. लेटर द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 बैन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इन यूएसए, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भेदभाव जिन कारणों से भेदभाव होता था उसको ख़त्म कर दिया गया. इट ऑल्सो प्रोमलगेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन फॉर अफ्रीका अमेरिकन चिल्ड्रंस. और इसका अंत ये भी हुआ कि हर तरह के स्कूल में हर तरह के बच्चों को पढ़ने का अधिकार है. अफ्रीकन अमेरिकन्स को भी सेम स्कूल्स में पढ़ने का अधिकार मिला जिसमें वाइट अमेरिकन्स पढ़ा करते थे. चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र में कैसे कैसे चुनौतियाँ आती हैं. इट कैन नॉट बी सेड विद फर्म कन्विक्शन दैट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक. Efforts are on communities as well as individuals to expand the idea of equality and democracy. We should not forget that we have the capacity to spread equality and brotherhood. It is within us. हालांकि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आज भी लोकतंत्र में देखने को मिलती हैं, लेकिन निरंतर हमारी मेहनत से, हमारे एफर्ट से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं. क्योंकि हमें इस चीज़ का ज्ञात होना चाहिए कि इंसान के अंदर वो क्षमता है कि वो भाईचारे से इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकें. स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी, क्या क्या स्ट्रगल्स करने पड़े समानता के लिए. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट्स राइट टू इक्वालिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी इज़ ग्रोसली अनइक्वल. हालांकि हमारे संविधान में ये अधिकार है, समानता का अधिकार है सबको, फिर भी आज इंडिया जो है ऐसी अनइक्वालिटी की वजह से अभी भी कुछ लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं. अर्लियर वी हैव लर्न अबाउट द कंडीशंस ऑफ मैनी पीपल हु आर ट्रीटेड अनइक्वली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड जेंडर. हमने कुछ टाइम पहले ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं अपने जीवन में देखी होंगी जिसकी वजह से आज भी लोग जात पात धर्म की वजह से भेदभाव का शिकार होते हैं. टू रिफ्रेश आर मेमरी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइजेज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर एटसेट्रा. ऑल इंडियन अडल्ट हैव इक्वल राइट ऑफ वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस. हालांकि हम देखें कि हमने चैप्टर में पीछे भी पढ़ा है कि सब बराबर हैं, जात पात इन सब का कोई महत्व नहीं है धर्म का लोगों के बीच में असमानता लाने का, और सब अडल्ट्स को वोट डालने का अधिकार है. इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड वर्क हैज़ रिजल्टेड इन क्रिएटिंग वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. लेकिन सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या, हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन आना, हर चीज़ को प्राइवेट होने की वजह से आज गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो हैं वो बन गए हैं.
इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुअर टू सर्वाइव विद ऑल द इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन दे हैव टू पुट अप विद. आज गरीब के लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना इन सारी चीज़ों की वजह से. पॉवर्टी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर द टू की रीजन्स फॉर पीपल फेसिंग इनइक्वालिटी इन इंडिया. गरीबी और चीज़ों का ना मिलना, संसाधनों का ना मिलना सबसे बड़ा मुख्य कारण है आज हिंदुस्तान में असमानता का. Another major reasons why people are treated unequally in discrimination on the basis of religion. Actually, all the ideals or principles that the Indian Constitution stand for are being severely violated. और इसके अलावा भी गरीबी और संसाधनों के ना मिलने के अलावा भी और भी मुख्य कारण है जिसकी वजह से भेदभाव होता है. गरीबी, धर्म, जात और जेंडर, मेल फीमेल के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. और दी आर दीज नॉट देन द राइट्स अकॉर्डेड टू ऑल इंडियंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देन वाई आर पीपल लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द कुरेशिज बींग डिनाइड देयर राइट्स. वाई इज लता पेड लिटल फॉर द स्ट्रेंथनेस वर्क इन हर फील्ड्स. वाई इज शी नॉट पेड अकॉर्डिंग टू द लेबर पुअर वुमन पुट्स इन. वाई इज हाउस वाइफ वर्क कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू देन दैट ऑफ मैंस वर्क. वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. वाई आर गर्ल्स कंसिडर्ड इन्फीरियर टू बॉयज. Why should they be removed from school after their primary education and married off? आज भी बहुत सारे सवाल हैं जो इस चीज़ पे एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं. क्यों लड़कों लड़की के बीच में भेदभाव किया जाता है? क्यों आज भी औरतों को कम मजदूरी मिलती है अधिक परिश्रम वाला काम करने के बावजूद भी? क्यों जात पात के भेदभाव किए जाते हैं? क्यों प्राइमरी स्कूल ख़त्म होने के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है और उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता? तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं आज भी समानता को लेके. मच हैज़ टू बी डन बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर ऑल इन सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी सरकार या लोगों को मिलकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम समानता ला सकें अपने समाज में. सम पीपल स्टैंड आउट इन अ क्राउड फॉर देयर एफर्ट्स इन रीस्टोरिंग एंड वर्किंग फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी. हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके प्रति आवाज़ उठाई है. दे आर रिस्पेक्टेड एंड फॉलोड बाई मिलियंस ऑफ पीपल. उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और इज्जत देते हैं. दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड और विटनेस्ड. फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी फॉट अगेंस्ट इन इक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका. नेल्सन मंडेला वेज्ड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टाइड इन साउथ अफ्रीका. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एज वी हैव रीड, हिमसेल्फ फेस डिस्क्रिमिनेशन इन चाइल्डहुड एज अ दलित बॉय. तो आउट हिज लाइफ ही फॉट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर दलित. फिर भी उन्होंने, हमने देखा कि बी आर अम्बेडकर के साथ भी भेदभाव हुआ, नेल्सन मंडेला के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी वो जंग लड़ी और अपने अधिकारों को, अपनी डिग्निटी को और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पाया. द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी गोज ऑन एंड पीपल फ्रॉम ग्रुप्स टू रेज इशूज ऑफ इक्वालिटी टू नेम सम. एग्रीकल्चरल लेबर्स, स्लम ड्वेलर्स, बीडी वर्कर्स, फिश फोक, वुमेन मूवमेंट्स एटसेट्रा, कॉपरेटिव द विच द मेम्बर्स गेन मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्स एंड मार्केट. आज भी हमारे साथ नाम के प्रति इतना भेदभाव किया जाता है. कॉपरेटिव वर्क में आज भी वैल्यू दी जाती है लोगों को, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, लेकिन अगर हम अपने लो लेवल पर देखें तो नाम के अधिकार पर इतना ज़्यादा शोषण किया जाता है लोगों के साथ. When development programs are executed in hilly and forest area, they bring with them misfortunes for the poor resident of those areas. Thousands of people are uprooted from their homes when they have lived for centuries. Hundreds of villages are submerged in reservoirs. The flora and fauna of the locality are destroyed, such in the case when big dams are built. People in livelihoods are also lost when forest areas are declared sanctuaries and national parks. People living in those areas are forced to leave their homes and move to new areas and again build their homes. Most of these poor people have to relocate themselves to areas unknown to them. This happen in urban areas as well as the people living in bastis and slums have to give way for new colonies or railway tracks or roads and bridges. The poor have to find new schools for their children, they have to look for new jobs, they have to build new houses and adapt themselves to the unfriendly environment they are forced into. आज भी हम देखें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिलेंगी, जैसे जब कुछ ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं या कुछ डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ रहने वाले लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है गरीब होने की वजह से. उनको कुछ पैसे दे के, सरकार द्वारा कुछ देख के उनको निकाल दिया जाता है. उन्हें नए सिर से घर बनाने पड़ते हैं, नई जगह जाके बसना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए दोबारा प्रतिबंध करने पड़ते हैं. उन्हें अपनी पुरुषों कई सालों से रह रहे उनके पूर्वजों द्वारा जो ज़मीन उनके पास थी उसको छोड़कर जाना पड़ता है. तो ये क्या है? ये सब भेदभाव ही तो है.
आगे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, तवा मात्स्य सिंह। इन ऑर्डर टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्प्लेसमेंट पीपल कम टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर राइट्स। जब ऐसा बहुत ज़्यादा होने लगा समाज में, तो कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। वन सच ऑर्गेनाइजेशन इज द तवा मत्स्य सिंह विच वाज फोर्ट फॉर द राइट्स ऑफ द डिसप्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन द रीजन ऑफ सतपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था तवा मत्स्य संघ। इसका मुख्य कारण था अपने अधिकारों को पाना, जिन लोगों को ड्वेलर्स को डिस्प्लेस कर दिया गया था मध्य प्रदेश के रीजन से। द तवा रिवर्स फ्लो थ्रू बैतूल आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन द महेदो हिल्स। दिस रिवर जॉइंस द नर्मदा इन होशंगाबाद। द तवा डैम वॉज कम्प्लीटेड इन 1978। इट टुक 20 ईयर्स टू बिल्ड। द डैम डिस्प्लेस्ड मैनी पीपल हु लेटर सेटल्ड अराउंड द रिजर्वियर। दे हैड नो मीन्स ऑफ लाइवहुड अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। सम हैड स्मॉल पैचेज ऑफ फार्म लैंड टू कल्टिवेट। ये तब जो तवा नदी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, डैम बनने की वजह से उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। उनमें से बहुत सारे लोग तो मछली पकड़ने पे आश्रित थे कि नदी में से मछली पकड़ते थे और उनका जो आश्रय था, जो जीवन का आश्रय था, वो चलता था। इन 1994 द गवर्नमेंट एक्शंड फिशिंग राइट्स इन द तवा रिजर्वे टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। सो द लोकल फिशरमैन वर ड्राइवन अवे बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स हु बॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। द कॉन्ट्रैक्टर्स टर्न टू अनफेयर ट्रिक्स एंड थ्रेटन दोज हु डिड नॉट विश टू लीव। द फिशरमैन वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट एनी मीन्स ऑफ लाइवहुड। दे वर बीटन एंड ह्यूमिलेटेड बाई कॉन्ट्रैक्टर्स एंड देयर पीपल। फिर सरकार ने क्या किया, उन्हीं मच्छियों के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो बड़ी फैक्ट्रीज या बड़ी इंडस्ट्रीज वालों को दे दिए, जिससे गरीबों को और ज़्यादा झेलना पड़ा। सो द डिसप्लेस्ड पीपल डिसाइडेड टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट फॉर देयर राइट्स। तो उस समय लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया कि अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। उस संघ का नाम हुआ तवा मात्स्य संघ। दे ऑर्गेनाइज ह्यूज रैलीज। दे ऑर्गेनाइज अ चक्का जाम रोड ब्लॉकेज इन रिलेशन डिमांडेड फॉर द राइट टू कंटिन्यू फिशिंग इन द वाटर्स ऑफ रिजर्वियर। उन्होंने बहुत सारी काम किए, उन्होंने चक्का जाम किया, रैलियाँ की, ताकि उनको दोबारा उनके अधिकार थे जो मछली पकड़न के वो मिल सकें। दिस मेड द गवर्नमेंट कंसिडर देयर राइट्स एंड इट फॉर्म अ कमेटी टू लुक इन टू द होल अफेयर। द कमेटी फाउंड दैट ग्रॉस इनजस्टिस हैड बिन डन टू द लोकल फिशरमैन। Then the government decided to give the fishing rights to the people who had been fishing in those waters since a long time and no other source of income. A 5-year lease agreement was signed. Along with the fishing rights, the people went a step further and formed a cooperative to look into their interest. The cooperative increased its income 3 times. फिर लोगों के जब आवाज़ उठाई, जब धरने किए, बहुत कुछ किया, तो सरकार ने एक कमेटी बनाई और उनकी बातें सुनी गई, तो उनको पता चला कि हाँ वो लोग सच्चे हैं, क्योंकि वे मछली पालन, मछलियों पर ही आश्रित था उनका जीवन, तो उन्हें दोबारा से अधिकार दिए गए वहाँ पे मछलियों के फिशरीज करने के। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स इज द फैक्ट दैट ऑल पीपल आर इक्वल। हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे, बहुत सारी मूवमेंट्स देखी, सिर्फ उसके पीछे एक ही कारण था कि सब समान हैं। इट इज़ दिस वेरी ट्रूथ दैट इज़ रिपीटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ ग्रंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पीपल। हालांकि हमारे संविधान में लिखा गया है कि सबको समानता का अधिकार है। Many leaders or reformers came forward to propagate the idea of true democracy by fighting for the rights of the destitute and the downtrodden weak. बहुत सारे लोग भी आगे आए जिन्होंने गरीबों को या जो अल्पसंख्यक थे उनकी आवाज़ को बढ़ाया। They fought for justice to be awarded to all who had been victimized by the rich and the powerful. उन्होंने आवाज़ उठाई और जिन अमीरों द्वारा उन्हें कुचला जा रहा था उनके प्रति विरोध किया और अपनी जो चीज़ें थी, जो अपने अधिकार थे, वो वापस पाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर दैट डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, कैसे लोकतंत्र और समानता ज़रूरी है। बेटा हम भी देखें, अगर इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द भी हमें बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे जिनके साथ असमानता से पेश आया जाता है। सो प्लीज़ यू स्टूडेंट्स कीप इन योर माइंड कि हमें कभी भी किसी के साथ इन छोटी चीज़ों को लेकर भेदभाव नहीं करना है। वी ऑल आर इक्वल। हम सब एक ही धरती पे जन्म लिया है, हम सब बराबर हैं, हमें इस तरीके की भेदभाव नहीं करने चाहिए। ओके, थैंक यू।